रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को बख्शेगी नहीं, चाहे वो पाकिस्तान में क्यों ना छुपे हों, उनका हिसाब किताब बराबर करेगी। रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 20 आतंकवादियों को मारा है, कोई भी आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से अगर भारत को परेशान करेगा या परेशान करने की कोशिश करेगा या यहां पर आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, यदि वो भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। राजनाथ सिंह ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें भारत द्वारा पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देने का दावा किया गया। रिपोर्ट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि भारत ने उन लोगों को निशाना बनाने की नीति लागू की है जिन्हें वो अपने प्रति शत्रुतापूर्ण मानता है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इस तरह के भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों से कम 20 लोगों को ठिकाने लगाया है। राजनाथ सिंह की टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब भारत ने द गार्जियन की रिपोर्ट का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय ने द गार्जियन की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई मौकों पर कहा है कि इन देशों में लक्षित हत्याएं भारत सरकार की नीति का हिस्सा नहीं है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नई दिल्ली अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है। उन्होंने कहा भारत ने कभी भी किसी देश के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की है, ये भारत का चरित्र है, लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाए यहां आकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसकी खैर भी नहीं है। अगर कोई भारत या उसकी शांति को खतरा पहुंचाता है तो उन्हें बख्शा भी नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है और पाकिस्तान भी ये समझने लगा है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में दरअसल एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि इससे पहले जब 26 फरवरी 2019 को यहां आया तो उसी समय देश ने बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक की थी, तब चूरू की धरती से मैंने जो शब्द कहे थे फिर एक बार वीरों की इस धरती से मेरे उन भावों को मैं दोहराता हूं। तब मैंने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मेरा वचन है भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। आज हमने अपनी सेनाओं को सीमा पर पलटवार करने की खुली छूट दे दी है, अब दुश्मन को भी पता है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ठीक ऐसी ही बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के जमुई में भी कही थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।